नजर आ रही है, कितना भारत बंद का असर देखा जा रहा है इसकी तस्वीरें दिखाएंगे मेरे सहयोगी, अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं, सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिल्ली की, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जाम जैसे हालात यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है और इसका असर सीधे सीधे आवाजाही पर लोगों की पड़ रहा है। और जाम की तस्वीरें आपने अभी राजधानी दिल्ली से देखी, अब सहयोगी को रुख कर लेते हैं। अलग अलग जिलों से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कोटा से हिमांशु, जोधपुर से अरुण हर्ष और इसके अलावा उदयपुर से अविनाश जगनावत मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हिमांशु मैं आपके पास आ रही हूँ, कोटा में आप मौजूद है, भारत बंद का ऐलान किया गया किसानों की तरफ से, क्या असर देखा जा रहा है, सुरक्षा के कितने इंतजाम आते हैं हिमांशु? देखिए मणि, भारत बंद को लेकर के किसान संगठनों का आह्वान है और भारत बंद का आह्वान किया गया है। फिलहाल आप तस्वीरें कोटा के छावनी इलाके से आप देखेंगे, पुलिस का जो भारी जाप्ता है वो इस वक्त आपको यहां पर तैनात नजर आएगा, क्योंकि अब से कुछ देर में किसान संगठन जो है वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो तस्वीर कोटा की, कोटा का ये गुमानपुरा बाजार है जो मुख्य बाजार है, हालांकि बंद को व्यापार महासंघ का समर्थन नहीं है, यानी कि स्पष्ट तौर से ये कि बंद जब भी कोटा में बुलाया जाता है अगर उसे व्यापार महासंघ का समर्थन नहीं होता तो वो बंद सफल नहीं होता। सभी चीजें खुली हुई हैं, हालांकि कांग्रेस का इसको लेकर के समर्थन है और कांग्रेस के खुद जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी और उप महापौर यहाँ पर पहुंचे, पवन मीणा अध्यक्ष साहब, इस बंद को आपका समर्थन है, कुल मिलाकर के किस तरह से आज आप लोगों का विरोध प्रदर्शन रहने वाला है? भाई किसानों के समर्थन में तो किसान पिछले एक साल होने में आ गया, लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और केंद्र सरकार के जूठ सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही, एक भी मांग किसानों की जायज मांग को मानने को तैयार नहीं है। 700 से अधिक किसान शहीद हो चुके एक साल के अंदर अंदर और किसानों के समर्थन में कई ट्रेड यूनियन, कई राजनीतिक पार्टियाँ के समर्थन कर रही हैं, कांग्रेस द्वारा भी समर्थन दिया गया है और अभी हमारे सारे जत्थे आ रहे हैं और यहाँ से हम पूरे कोटा शहर के अंदर एक वाहन रैली के दोपहर वाहन रैली के रूप में निकले गए और पूरा कोटा बंद कराने का आह्वान करेंगे, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोटा बंद करें। कुल मिलाकर के लेकिन बंद को लेकर के व्यापार महासंघ का समर्थन नहीं है, चीज़ें खुली हुई हैं, आप क्या बाजारों में भी जाएंगे बंद को और सफल बनाने? व्यापार महासंघ ने विरोध भी नहीं किया है, वो मौखिक रूप से उन्होंने कहा है कि जो आप फोन कराइए, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम लोग जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, बंद कराएंगे। पवन जी क्या रणनीति रखी है आज को लेकर? आज हमारी पूरी टीम पूरे कोटा से जितने भी हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं सभी यहां पर आ रहे हैं और पूरा सबका ये हमारा जो है लगभग मैं ये मान के चलता हूं कि सभी का सहयोग रहेगा, क्योंकि किसान जो है वो अन्नदाता है और ये वो व्यक्ति है जो कि हर व्यक्ति के लिए अन्न का जो है व्यवस्था करता है और आज उसी के साथ इतनी बड़ी पीड़ा हो रही है, तो आज पूरा हमारे जो कांग्रेस कार्यकर्ता है सारे के सारे पूरे कोटा के अंदर जितने भी हैं सब पूरा मार्केट बंद रहेगा। जफर साहब, किसान आंदोलन को लेकर आज समर्थन के रूप में पूरे देश में कांग्रेस समर्थन के रूप में खड़ी है, जिस तरह से काले कानून को वापस लेना था एक साल लगभग हो गया है, बेचारे किसान वहाँ पर बैठे हैं, पूरा देश में त्राई त्राई मान है, जो अन्नदाता है, जो सबको, जो संसद बैठे हैं उनको भी, आपको भी, हमको भी, सबको, और यहाँ तक कि मजदूर को, सबको वो उसके द्वारा ही अन्न दिया जाता है और हम सब उससे पलते हैं। अगर उनको ये कानून पसंद नहीं है जिनके लिए आप कानून बना रहे हो तो फिर कानून की ज़रूरत क्या है? आप जनता के हित की बात करते हो, किसानों के हित की बात करते हो, अगर उनको उस काम में अहित लगता है तो इसकी ज़रूरत क्या है? बिल्कुल वाजिब सी बात है, यहाँ पर कांग्रेस का यही कहना है कि जिस कानून को लेकर के आखिर इतना विरोध है तो आखिर उस कानून को जबरन क्यों किसानों पर थोपा जा रहा है, और इसी बात के साथ में कांग्रेस आज सड़कों पर है, शहर की सड़कों पर कांग्रेस का जो कह सकते हैं कि वाहन रैली है वो भी यहाँ पर निकलने वाली है, तमाम जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर जुटने वाले हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में ये जो तमाम तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर की गई हैं और इन सब के साथ में यहाँ पर ये कांग्रेस की जो रैली है वो शहर के अलग अलग हिस्सों में पहुँचेगी और निकलेगी। बिल्कुल कोटा की तस्वीर हिमांशु मित्तल ने दिखाई है, अब उदयपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, सहयोगी अविनाश जगनावत मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश आपके पास मैं आ रही हूँ, वहां पर कितना असर देखा जा रहा है भारत बंद का, क्या तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा के कितने इंतजाम आते हैं अविनाश?
जी बिल्कुल मणि, आपको बता दूं कि जिस तरह से सहयोगी हिमांशु ने तस्वीरें बिताई थी उसके ठीक उलट उदयपुर में तस्वीरें देखने को मिल रही है। उदयपुर में भारत बंद का असर जो है वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। कहीं पर भी उदयपुर में आज अब तक कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है हुआ है। भले ही प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया हो, लेकिन उदयपुर में शहर जिला इकाई और देहात जिला इकाई की तरफ से कोई प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन रैली का आयोजन नहीं किया गया है। उसके अलावा जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी तरफ से भी जो बलीचा चौराहे पर हाईवे जाम करने का जो कार्यक्रम था उसको निरस्त किया गया, और मोर्चा के कुछ पदाधिकारी है वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां पर किसान आंदोलन के समर्थन में ज्ञापन जरूर देंगे। जिस तरह से आंदोलन को लेकर जनप्रतिनिधि सजग नहीं है, तो मैं कलेक्ट्रेट की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे प्रशासन भी पूरी तरह से रिलैक्स मोड में जो है वो नजर आ रहा है। आप देखिए कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीर है, बड़े ही आराम से वाहनों का आवागमन यहाँ पर हो रहा है। अतिरिक्त कोई जाप्ता जो है वो यहाँ पर नहीं लगाया गया है, क्योंकि कल ही निर्धारित कर दिया गया था कि उदयपुर के अंदर किसान आंदोलन का जो बंद है, किसानों का बंद, भारत बंद, उसका असर यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। और यही नज़ारा जो कलेक्ट्रेट के बाहर है वो तमाम चौराहे का भी है, हाईवे का भी है। और क्योंकि हमारी किसान नेताओं से भी बात हुई थी और उन्होंने भी एक ही बात ही कही थी कि भाई हम 11 बजे के बाद में कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और वहाँ पर किसान आंदोलन के समर्थन में कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके अलावा आज उदयपुर में कोई भी बंद का जो है वो समर्थन या उसके समर्थन में कोई रैली या धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। बाजार पूरी तरह से खुले हैं, हाईवे जो है वो निर्बाध्य रूप से चल रहा है, और कहा जा सकता है कि उदयपुर जिले में इस किसान आंदोलन का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ कोटा की तस्वीरें देखिए जहां पर व्यापार संघ ने समर्थन नहीं किया, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं भारत बंद का असर जरूर दिखाई दिया। उधर उदयपुर में जो है कहीं ना कहीं भारत बंद का असर नहीं दिखाई दिया है। जोधपुर चलते हैं, अरुण हर्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण हर्ष, वहां की तस्वीरें दिखाइए, यहाँ पर क्या कुछ अभी तैयारियां हैं, कितना असर है भारत बंद का? मणि, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से हमारे सहयोगी अविनाश जगनावत ने बताया कि किस तरह से उदयपुर के जो है किसान आंदोलन का कहीं रंग नहीं दिखाई दे रहा, वही हालात जोधपुर के कलेक्ट्रेट के बाहर हम खड़े हैं। हमारे किसान नेताओं से बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम सिर्फ 11 बजे के बाद में एक ज्ञापन देने आएंगे किसान आंदोलन के समर्थन में, लेकिन बंद को लेकर पूरे जोधपुर में कहीं भी बंद असर नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासन बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई किसानों की हलचल नहीं दिखाई दे रही है, चाहे जोधपुर ईस्ट जिले की बात करें चाहे वेस्ट जिले की। तमाम जगह पर यातायात सुगम रूप से चल रहा है, कहीं रोकने का या धरना प्रदर्शन का कोई भी सूचना प्रशासन के पास नहीं है, और यही कारण है कि जोधपुर में भी किसान आंदोलन का असर देखने को नहीं मिल रहा है। मणि, बिल्कुल अरुण हर्ष, जैसे कि उदयपुर की तस्वीरें देखिए कमोबेश यहाँ पर भी वही तस्वीर नजर आ रही है। हिमांशु, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई, बातचीत आपने करने की कोशिश की, जाम जैसे स्थिति ना बने इससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी की गई प्रशासन की तरफ से? देखिए मणि, इस सवाल के साथ में मैं पुलिस अधिकारियों के पास जाता हूँ और उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इसको लेकर के क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। अमर सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के शहर में कहीं जाम जैसी स्थिति नहीं बने तो पुलिस के इंतज़ाम क्या होंगे? फिलहाल अभी जो मैनेजमेंट है उसे जमाने की कोशिश है, लेकिन पुलिस का आप जाप्ता देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा जो इंतज़ाम हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। पुलिस अधिकारी DSP रैंक के, थानाधिकारी रैंक के जो अधिकारी हैं वो तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो तैनात किए गए हैं, जाप्ता जो है वो तैनात किया गया है, और इन सब के बीच में ही कांग्रेस का की रैली, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि किसान संगठन, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि सुबह से ही किसान संगठन की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर नज़र नहीं आया है। मैं रविंद्र त्यागी साहब से जानूंगा क्या रूट रहेगा, कहाँ कहाँ पर ये आपका जो वाहन रैली है वो निकलने वाली है, और इस वाहन रैली के साथ में क्या मैसेज? भाई, वाहन रैली के साथ यही मैसेज देंगे, सभी व्यापारियों से निवेदन करेंगे कि किसानों के समर्थन में, महंगाई के समर्थन में आप अपने व्यापार प्रतिष्ठान बंद रखें, और पूरे शहर में यहाँ से होते हुए गुमानपुरा, रामपुरा, नयापुरा होते हुए फिर दादाबाड़ी, केशवपुरा, सब हो जाएंगे। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वाहन रैली के साथ में कोटा के अलग अलग इलाकों में जाने वाले हैं, वहां पर पहुंचने वाले हैं, और पहुंचने के साथ में ये विरोध रैली यहां पर शहर के अलग अलग हिस्सों में निकलने वाली है। बाइक पर, चार पहिया वाहनों पर यहां पर कांग्रेसी इस तरह से पहुंचेंगे, अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे,
और बंद को यहाँ पर सफल बनाने की कोशिश करेंगे, बंद को लेकर के किसानों के समर्थन में आह्वान करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल साफ तौर पर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और असर भी देखा जा रहा है भारत बंद का। अविनाश, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि इतना असर यहाँ पर भारत बंद का नहीं देखा जा रहा है, कोई ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के किसी नेता के यहाँ पहुँचने की जानकारी है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर समर्थन किया है इस भारत बंद का? जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भले ही समर्थन किया हो, लेकिन उसका उदयपुर में कुछ भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। जो शहर जिला और देहात जिला के प्रवक्ता है उनसे हमारी बात हुई, कुछ कांग्रेसी नेताओं से बात हुई थी जो कि किसानों के संगठन से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी साफ तरह से इस तरह का कोई भी प्रदर्शन करने की बात को इनकार किया है। उनका कहना यही था कि जो रीट के अभ्यर्थी यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे में उनकी वापसी जो है वो आज भी रहेगी, और ऐसे में अगर हाईवे और शहर में जाम किया जाता है तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जो किसान मोर्चा का जो संयुक्त संगठन उदयपुर में है, उसने भी आज जो है बंद को किसी भी हाईवे को या कहीं पे भी बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी जो है वो नहीं की थी। बस 11 बजे बाद ये जरूर एक मैसेज दिया गया है कि 11 बजे बाद में कुछ समर्थक जो है वो यहाँ पर आएंगे, कलेक्ट्रेट के बाहर कुछ देर नारेबाजी की जाएगी, और उसके बाद कलेक्टर को जो ज्ञापन सौंपा जाएगा जिसमें कि जो किसानों की मांगे हैं और जो काला कानून बनाया गया है उसको वापस लेने की जो है वो मांग करेंगे। लेकिन एक व्यापक स्तर पर जो प्रदर्शन होना चाहिए था, और सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षी पार्टी है जो कि किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी हुई है कांग्रेस, उसका भी उदयपुर में कोई इतना बड़ा प्रदर्शन या कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चाहे किसान संगठनों से समर्थित पदाधिकारी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही आज जो है उदयपुर में प्रदर्शन के नाम पे यहाँ पर निष्क्रिय दिख रही है। जी मणि, बिल्कुल अविनाश, साफ तौर पर बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ तैयारियां पुख्ता तौर पर कर ली गई है। अरुण हर्ष, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, हमने कोटा का हाल देख लिया है, उदयपुर का हमने तस्वीरें दिखा दी दर्शकों को, जोधपुर में किसानों का क्या कुछ कहना है, कितने तैयारी किसानों की तरफ से की गई है? मणि, मैं बताना चाहूँगा, जोधपुर में हमारी किसान संगठन के नेताओं से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा 11 बजे बाद वो यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर आएंगे, राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा बात करें कांग्रेस के पदाधिकारी से लेकर तमाम वो लोग, भले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी हो कि कांग्रेस समर्थन करती है, लेकिन जोधपुर में उसका असर कहीं देखने को नहीं मिल रहा। कांग्रेस के कोई भी नेता यहाँ पर इस किसान आंदोलन में समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे। नजर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि सड़कों पर कोई भी नेता दिखाई नहीं दे रहा, और जो किसान नेता है वो खुद अपने घरों में बैठे हैं। उनसे हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा 11 बजे बाद वो यहाँ आएंगे और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन लेकर चले जाएंगे। तो कह सकते हैं जोधपुर में किसान आंदोलन को भले ही बंद का, जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। मणि, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, दो तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर देखी, अभी हमने राजधानी की भी तस्वीर आपको दिखाई, हमने जोधपुर की भी, और आपको उदयपुर की भी, कोटा की तस्वीर आपको दिखाई, अभी दिल्ली की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किस तरीके से इस भारत बंद के बाद जाम जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और देखिए हालात यहाँ पर जो हैं कहीं ना कहीं आमजन के लिए बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आवाजाही में लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, और झंडे लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं, किसान संगठन के नेता सड़कों पर उतरे हैं, और साफ तौर पर यही मांग कि कृषि कानून को सरकार रद्द करे।